राम राम जी। आज बहुत डिमांड थी कि जी हरियाणा की करंट अफेयर करवा दो। देखो पिछले 6 महीने की करंट अफेयर जो है 20-20% आए हैं, जो गणे कसूते जरूरी प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो आने की पूरे पूरे संभावना, तो उनको लेके 3 से 4 वीडियो होगी, 3 से 4 सेशन में अपना पूरा हो जाएगा। तो आज की पहला भाग है वो करंट अफेयर हरियाणा का, तो करा शुरू। देखो सबसे पहली है, अभी बहुत ताजा खबर है कि हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला जो खेल विश्वविद्यालय है वो राई में बनेगा। भाई कड़ा बनेगा, राई में बनेगा। राय कौन से जिले में पड़ा है? सोनीपत के अंदर पड़ा है। राई कौन से जिले में है? सोनीपत में। हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय राई में है, देश का तीसरा विश्वविद्यालय होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो न्यूज है वो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2019। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019, देखो 2019 के अंदर स्वच्छता सर्वेक्षण आया था। इसका मैंने पूछ जाओ हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है, तो उत्तर होगा स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा को 9वां स्थान मिला है भाई, और पहला स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 9वां है। पहला किसका है? छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। उसके बाद एक योजना है प्रधानमंत्री मोदी की है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, बहुत जरूरी है भैया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है, इसका नो पूछ ले हरियाणा में कद लागू हुई थी, तो हमारे हरियाणा के अंदर यह योजना 5 मार्च तक लागू हुई थी। 5 मार्च 2019 के अंदर यह योजना लागू हुई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना में है कि 60 साल से ऊपर के जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उन्हें भारत सरकार जो है पेंशन देगी, और उसी के तहत में हरियाणा सरकार भी जो है पेंशन देने खातर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कद तक शुरू हुई है 5 मार्च 2018, ठीक है। उसके बाद पीछे एक ग्रीन पीस संस्था है, ग्रीन पीस संस्था ने क्या किया था, पूरी दुनिया में सर्वे करवाया था वह सबसे प्रदूषित शहर कौन से है, तो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर जो है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर बड़ी शर्म की बात है अपने खातर, क्योंकि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है अपने हरियाणा का गुड़गांव है भाई, गुरुग्राम। हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हरियाणा का जो गुरुग्राम जो है ये सबसे प्रदूषित शहर है, बहुत शर्मदायक बात है। प्रदूषण कई प्रकार के, किसी प्रकार का प्रदूषण हो, देखो विदेशों में दूसरे देशों में की है एक ऊं भी आम तौर पर उनकी नैतिकता का तौर पर ना, मान लिया किसी का को बंदा कुत्ता पाला, कुत्ता ने अगर मान लिया बाहर रोड पर घुमा लेके जाओ है, तो बंदा साथ में पुलथिन रखा हुआ, कहते कुत्ता पोटी नहीं कर दे। अब जे कुत्ता जे पोटी कर दिया कड़े सड़क पर, तो बहुत सारे विदेशी देश ऐसे हैं, कई सारे देशों में ऐसा मामला है, वो मालिक जो है कुत्ते का पोटी उठा के डस्टबिन ला के डस्टबिन में डालेगा। अपना कहे जे कुत्ते ने साँझ ना डांड जाओ ने, जे पड़ोसी के बारना गजे मड़ा नू जे कुत्ता वे हाँ ये काम करेगा तो बारना के जाने करके करवा दे, यह स्थिति है। तो इसलिए इन चीजों को चेंज करना पड़ेगा। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर कौन सा है? ग्रीन पीस ने इस लिस्ट जारी करी है, गुड़गांव दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। यूपी का है, एक पाकिस्तान का तीसरा शहर है फैसलाबाद, शायद अपना याद रखना, गुड़गांव सबसे प्रदूषित शहर है, हो जाएगा। उसके बाद में देखो दूसरी चीज क्या है, यो तो था दुनिया का, अब आ जाओ हरियाणा अपने देश के अंदर स्वच्छता के जो 100 शहर बनाए थे भाई, सबसे स्वच्छ शहर कौन से हैं, तो जो टॉप जो स्वच्छता में हरियाणा के जो टॉप शहर जो हैं स्वच्छता सर्वेक्षण जो आया था जो अपना है उसके अंदर, जो 2019 इसी की बात है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 जो आया था, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के टॉप के जो 100 शहर जो थे अपने भारत के, 100 शहर में है हरियाणा का जो शहर आया सबसे नंबर 1 जो अव्वल है वो है 24वां नंबर है करनाल का। यानी देखो पूरे देश के 100 शहर चुने गए थे जो कि हैं स्वच्छ शहर हैं, उन स्वच्छ शहरा मत है करनाल का नंबर 24वां है, तो अपना हरियाणा का कौन सा नंबर है इसका? पहला नंबर हो गया अपना हरियाणा का स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में, जो शहर सबसे ज्यादा स्वच्छ हरियाणा का वो कौन सा है? करनाल है। उसके बाद करनाल के बाद मोरबी है, रोहतक है 69वां नंबर पे, पंचकूला 71वां पे, वो कौन इतने याद रखने, बस अपना एक याद रख लियो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में करनाल का 24वां नंबर, हरियाणा कौन सा है? पहला। उसके बाद में अगला है वंडर वेब वंडर वुमेन खिताब, वेब वंडर वुमेन खिताब। देखो वेब वंडर वुमेन खिताब जो है यो दिया गया है सोनल गोयल को, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सोनल गोयल,
सोनल गोयल, देखो सोशल नेटवर्किंग साइटों के ऊपर, सामाजिक मुद्दों के ऊपर विभिन्न प्रकार की चीजें अपलोड करने के कारण वंडर वेब वंडर वुमेन का खिताब सोनल किसको मिला है? सोनल गोयल को दिया गया। किसको दिया गया? सोनल गोयल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, किसी ने ले लो, नहीं फिर इसने रफ करो दोबारा से, फिर रिपीट करो। हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय कड़ा खोलेगा, राय सोनीपत के अंदर खोलेगा। इसकी घोषणा हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? अनिल विज, दाढ़ी वाले बाबा जो है अनिल विज ने घोषणा करी है, जो अंबाला से विधायक है। खेल विश्वविद्यालय राय सोनीपत, स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा का कौन सा स्थान नौवां है? पहला किसका है? छत्तीसगढ़ का। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हरियाणा में कब शुरू हुई थी? 5 मार्च को अपना हरियाणा के अंदर शुरू हुई थी। उसके बाद हम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर कौन सा शहर है? ग्रीन पीस फाउंडेशन जो उसने खोज करी है कि गुड़गांव जो है हरियाणा का नहीं, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। स्वच्छता के अंदर टॉप के जो 100 शहर जो है, 100 शहर में अपना करनाल का नंबर 24 में, हरियाणा का कौन सा हो गया? पहला हो गया। उसके बाद वेब वंडर वुमेन का खिताब किसको मिला है? सोनल गोयल को वेब वंडर का वुमेन का खिताब मिला है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसने रब कर दूं। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। देखो हाँ, ऊपर इंस्टाग्राम की आईडी लिख रखी है PARVEEN, फिर नीचे डंडा लाके फिर उड़ान। इसको ऊपर आप जाओगे तो वहां चैटिंग कर सकते हो, आप बात कर सकते हो। अगर कोई शंका समाधान है तो कोई प्रश्न है तो इस पर अपन ले सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी पर ध्यान दे लियो, ठीक है। उसके बाद अगली जो न्यूज वो है कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार। देखो कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार जो है ये मिला है रेखा लक्ष्मी को, ये मिला है इस लड़की को, इसका नाम है रेखा लक्ष्मी। रेखा लक्ष्मी को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से नवाजा गया है। और यह छोरी जो है हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली है, कड़ा की है, रेवाड़ी जिले की रहने वाली है। और इस पुरस्कार के तहत में 50,000 रुपये इनामी राशि हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है। यानी कितने रुपए मिले इसने? कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार रेखा लक्ष्मी ने मिला है, रेवाड़ी की है। कितने रुपए मिले इसको? 50,000 रुपये इसको हरियाणा सरकार के द्वारा इनाम दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगली है हरियाणा सक्षम योजना। देखो सरकारी स्कूलों के अंदर क्यों है कि भाई बच्चों को इंग्लिश में 17 सुधारण खातर नाबालिका का एक योजना चलाई गई थी 2017 में, सक्षम योजना। और इस सक्षम योजना के तहत है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उन बच्चों का 17 सुधारने के लिए अंग्रेजी में गणित में इन चीजों के लिए चलाई गई थी। और अब जो सक्षम प्लस जो ब्लॉक बना है, जो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्षम प्लस जो ब्लॉक है वो है सांपला ब्लॉक चुना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांपला कौन से जिले के अंदर आओ है? रोहतक जिले के अंदर आता सांपला। और रोहतक जिले में सक्षम जो है, ये सक्षम ब्लॉक जो है रोहतक जिले का है, याद रखना आपने। सांपला को क्या चुना गया है? सक्षम प्लस ब्लॉक चुना गया है। हरियाणा के कौन से जिले का है? ये रोहतक जिले का है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार किसको मिला था? रेखा लक्ष्मी को मिला था। ये कहां की है? ये रेवाड़ी की रहने वाली है। कितने रुपए मिले इसको? 50,000 रुपए इसको दिए गए हैं। उसके बाद में सक्षम प्लस जो योजना, इसके तहत किसको चुना गया है? सांपला को चुना गया है। उसके बाद अगला है हरियाणा के अंदर एक हॉस्पिटल खोलेगा हरियाणा सरकार, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसको हरियाणा कैंसर अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा कैंसर अस्पताल जो है ये टोहाना जो है, टोहाना के अंदर ओपन होगा। और टोहाना हरियाणा के कौन से जिले में पड़ा है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पड़ा है। भाई कैंसर अस्पताल कड़ा खुलेगा टोहाना में, कैंसर अस्पताल खुलेगा। और कैंसर अस्पताल जो है टोहाना कौन से जिले में पड़ा है? फतेहाबाद जिले में पड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखो अपने देश के अंदर 4 जो है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बनाए गए हैं, बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, देखो अपने देश में 4 जगह खोले गए, असम में जोराट में खोला गया, और भी 2-3 जगह खोले हैं, लेकिन आपने याद रखना राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर खोला जाएगा। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कौन से जिले में खोला जाएगा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोला जाएगा। पूरे देश में कितने संस्थान है? पूरे देश में 4 संस्थान खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चला हाँ हॉकी की तरफ। हॉकी की एक टूर्नामेंट है FIH टूर्नामेंट, बहुत जरूरी है FIH टूर्नामेंट। FIH टूर्नामेंट जो है महिलाओं की है, ये हॉकी के अंदर ये टूर्नामेंट होती है। तो जो FIH टूर्नामेंट हुई है जो 2019 के अंदर, इसमें किस हरियाणा के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो FIH टूर्नामेंट जापान को हमने हराया है। और इस टूर्नामेंट में कुरुक्षेत्र के शाहबाद की रानी रामपाल जो है हॉकी खिलाड़ी है, शाहबाद कुरुक्षेत्र का संबंध रखा गया,
और रानी रामपाल को कौन सा ये सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनेगी? देखो बेटी क्या नहीं कर सकती, रामपाल जो ही छोरे के बाप का नाम है, अपने फादर को सम्मान देने खातर, अपने बाबू ने सम्मान देने खातर अपने नाम का पाछ है अपने बाबू का नाम लाओ है। कदे कदा नो सोचे रामपाल महाराज वाला रखे हो, रामपाल महाराज वाला नाम नहीं है, यो इसके फादर का नाम है। रानी रामपाल कड़े की है, शाहबाद कुरुक्षेत्र की हॉकी की एक नंबर खिलाड़ी है, FIS टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई है। उसके बाद अगला नाम आता है, एक शहीद हैं आशीष तंवर, बहुत जरूरी है आशीष तंवर। याद करो पिछले दिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर वायुसेना का AN-32 ये विमान जो था, AN-32 ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और इसके अंदर हरियाणा का जो पलवल जो जिला है, पलवल जिले का एक शहीद है आशीष तंवर, AN-32 इस विमान के अंदर ये विमान लापता हो गया था और इसके अंदर आशीष तंवर शहीद हो गए थे। प्रश्न पूछा जा सकता है आशीष तंवर हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? पलवल जिले से आशीष तंवर संबंध रखते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न आता है वो आता है नीति आयोग से, नीति आयोग ने क्या किया है? देखो नीति आयोग जो है इसका पहले नाम हुआ करता था योजना आयोग। योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, नेहरू ने गठन कराया था, तो योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री हो, तो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष नेहरू था। उसके बाद में योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष भी हो है, तो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था गुलजारी लाल नंदा, वही गुलजारी लाल नंदा जो अपने देश का 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह लिया, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अब मोदी सरकार ने क्या कर दिया, 1-1-2015 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के केंद्र दिया, नीति आयोग रख दिया इसका नाम, और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम पूछा जा सका है पेपर में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। योजना आयोग 15 मार्च 1950 ने बनाया था, 1-1-2015 को इसका नाम नीति आयोग रख दिया, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अध्यक्ष इसका कौन हुआ है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष हुआ है। अब जो नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग ने क्या काम किया है, स्वच्छता सेवाओं में एक रैंक दिया है, नीति आयोग ने स्वच्छता सेवा यानी स्वास्थ्य सेवा सॉरी स्वास्थ्य सेवाओं में स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर एक रैंक दिया है, यानी अपने देश के जितने भी राज्य हैं उनमें वह कौन सा देश में बेहतर है, कौन सा राज्य में घना बढ़िया इलाज हो है, किस में ठीक ठीक इलाज हो, उसकी एक रैंक जारी करी है। देखो तो अपना हरियाणा का नंबर जो है स्वास्थ्य सेवाओं में 12वां नंबर है। देखो यानी नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में स्वास्थ्य सेवाओं में हरियाणा कौन सा नंबर है? हरियाणा का नंबर है 12वां, और पहला नंबर है हरियाणा देश के केरल का है, बहुत शिक्षित राज्य है केरल, केरल राज्य का पहला नंबर है अपना हरियाणा, कौन सा नंबर है? 12वां नंबर है अपना हरियाणा का, याद हो जाएगा दोबारा तो देखो। उसके बाद आगे एक दो और कर लेवा, देखो हरियाणा के अंदर एक परिषद का गठन कराया गया, बहुत इंपोर्टेंट यह परिषद है, योग परिषद, हरियाणा योग परिषद। देखो योग को बढ़ावा देने खातर हरियाणा योग परिषद का गठन कराया गया है, और इसका चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर जगदीप आर्या को, बहुत जरूरी। देखो डॉक्टर जगदीप आर्या, डॉक्टर जगदीप आर्या के इसको हरियाणा योग परिषद का चेयरमैन बनाया गया। देखो योग के बारे में जब तक जिक्र है, योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, भारत सरकार की बड़ी अच्छी पहल के कारण 21 जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इबकाल 2019 का प्रोग्राम का जो अपना प्रश्न पूछ ले, 2019 में भारत में बड़े लेवल के ऊपर प्रोग्राम खड़ा हुआ था, तो अपना उत्तर रहेगा रांची जो है, रांची में झारखंड की राजधानी में हुआ था, उड़े कौन गया था? नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। जब बात अपना हरियाणा की करा तो अपना हरियाणा में जो बड़ा प्रोग्राम हुआ था वो हुआ था रोहतक जिले के अंदर, रोहतक में हुआ था, और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के अपने गृह मंत्री अमित शाह इस प्रोग्राम में आए थे, गला मनोहर लाल खट्टर ने भी योग किया था। यानी 21 जून को योग दिवस हरियाणा में बड़ा लेवल पर रोहतक में मनाया गया था, देश में कड़ा मनाया था, रांची के अंदर मनाया गया था। तो अब जो योग परिषद बनी हरियाणा में, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर जगदीप आर्या को योग परिषद का क्या बना दिया गया है? चेयरमैन बना दिया गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना किसी ने ले लो, फिर रफ करो, उसने दोबारा तो इतना समझा दूं। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार किसने मिला है? रेखा लक्ष्मी कड़े की है, रेवाड़ी की 50,000 रुपये इसने इसका गलत दिए गए हैं। हरियाणा सक्षम योजना के अंदर सक्षम ब्लॉक कौन सा बनाया है? रोहतक जिले का सांपला जो है सक्षम ब्लॉक बनाया है। उसके बाद हरियाणा में कैंसर अस्पताल खोला जाएगा, कड़ा खुलेगा वो
टोआना में खुलेगा, फतेहाबाद जिला का टोआना। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान चार बनेंगे देश में, इसके तहत अपना कड़ा बनेगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में बनेगा। उसके बाद में FIS टूर्नामेंट जो हॉकी की, इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन सी चुनी गई है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई है रानी रामपाल शाहबाद की है, कुरुक्षेत्र जिले की छोरी है, शाहबाद जो है हॉकी की नर्सरी है एक तरह से। उसके बाद आशीष तंवर, ये वो महान वायुसेना का जवान शहीद हो गया, AN-32 जो वायुसेना का विमान जो था अरुणाचल प्रदेश में, जिस जो उसका मलबा मिला है, हरियाणा के पलवल जिले का रहने वाला था आशीष तंवर, बहुत महान, नमन है शहीद को। नीति आयोग जो है इसकी स्वास्थ्य सेवा में हरियाणा का रैंक कौन सा है, 12वां है, पहला रैंक कौन से राज्य का है, केरल का है। उसके बाद हरियाणा योग परिषद का चेयरमैन किसको बनाया गया है, डॉक्टर जगबीर आर्या को योग परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। तो अब रफ कर दूं, उसके बाद अपन अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। देखो सब्सक्राइब करने में कि मैं कौन जानता यार, कर दिया करो, के लग शेयर भी कर दिया करो इसने, तो साथ साथ लाइव क्लास है, मैथ की चल रही है, और भी लाइव क्लास आपने देने की कोशिश कराएंगे, ठीक है। उसके बाद अपने देश के जो बड़े बड़े प्रमुख जो पुरस्कार हैं, उनमें सबसे पहला पुरस्कार है पद्म भूषण। देखो पद्म भूषण देश का तीसरे नंबर का बड़ा पुरस्कार जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण दिया गया दर्शन लाल जैन को, अब की बार हरियाणा के हैं दर्शन लाल जैन, दर्शन लाल जैन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में तीन चार आदमी और चार बंदों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो हरियाणा के थे। देखो दर्शन लाल जैन को समाज सेवा के अंदर किसमें दिया गया, इसको समाज सेवा में दिया गया है। उसके बाद अगले जो पुरस्कार है वो है पद्मश्री पुरस्कार। देखो सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है अपने कुश्ती का खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, बजरंग पुनिया कुश्ती खेला है सबने बेरा है, बहुत बढ़िया पहलवान है। पद्मश्री पहले तो किसको मिला है, बजरंग पुनिया को मिला है, किसके अंदर, कुश्ती के अंदर। उसके बाद है कंवल सिंह चौहान, जो प्रश्न पूछा था तहसीलदार में, कंवल सिंह चौहान। देखो कंवल सिंह चौहान जो है, कंवल सिंह चौहान को खेती के अंदर मिला था, यानी कृषि के अंदर इनको एक पुरस्कार मिला था। उसके बाद अगला नाम आंदा नरेंद्र और सुल्तान सिंह, दोनों इकट्ठे ध्यान रखना आपने, नरेंद्र वह सुल्तान सिंह, नरेंद्र और सुल्तान सिंह, इन दोनों आना किसमें मिला था, पशुपालन के अंदर मिला था। पद्म भूषण किसको मिला था, दर्शनलाल जैन को, किसमें मिला, समाज सेवा में। पद्मश्री चार बंदा ने मिले हैं, बजरंग पुनिया ने कुश्ती मिला था, कंवल सिंह चौहान को खेती यानी कृषि में मिला है, नरेंद्र और सुल्तान धनवा ने क्या मिला, पशुपालन में। देखो ये अपने देश में एक नए युग की शुरुआत हो गई, पहले क्या करता ये सारे पुरस्कार राजनेताओं ने मिला करते, या जो सरकार के खासम खास हुआ करते ना करता वोट तो वोट मिल सके उन दिया करते, लेकिन वर्तमान की सरकार ने ऐसे ऐसे लोगों को पद्मश्री पद्म विभूषण से नवाजने का काम करा जिसने को जाने कौन करता। ये सरकार की अच्छी पहल है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर इसने के कहां पे आ गए रब करो, ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो जिक्र है, अगली जो न्यूज है वो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देखो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन दे, भारत के राष्ट्रपति देते हैं, और अब की बार जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जिसको दिया गया, जिसका संबंध अपना हरियाणा का है, उसका नाम है अनीस भानवाला। अनीस भानवाला, और अनीस भानवाला जो है अपने सीएम सिटी करनाल में रहा करा है, कड़क का संबंधित था, अनीस भानवाला कड़क है, हरियाणा के करनाल का है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। देखो कई बार के वह भाई ये भाई कड़क है, पूरा शोध के साथ लिखा है, ऐसे नहीं भाई हुए आ जाओ पूरा शोध कराया, उसके बाद क्या है गूगल पर कि मैं दिखाया दिया कड़क कि मैं दिखाया दिया, ऐसा नहीं कि गलत कराऊं, बहुत पूरे शोध के साथ हमें इसको लिखा जाओ, इसलिए कमेंट में कई बार नुआ नाजी हो तो ओड़का ऐसी बात नहीं है, तो ध्यान रखा करो पूरे शोध के साथ ये चीजें दी जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में कुछ उद्घाटन करे थे, बहुत जरूरी है। एक तो है देखो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है वो हरियाणा के पंचकुला जिले में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कराया, नहीं हरियाणा में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कड़ा खुलेगा हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर। उसके बाद है श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। देखो आयुष जो एक चिकित्सा पद्धति, इसमें कई सारी चीज आ जाओ है, योगा भी इसमें आ जाओ है, ग्रीक की यूनानी पद्धति इसमें आ जाओ है, कई प्रकार की चीज आओ है। श्री कृष्णा कृष्ण लग गया तो कृष्ण का संबंध हरियाणा में एक के खास जगह कौन सी है, कुरुक्षेत्र, जहां पर
गीता का उपदेश दिया था, ज्योतिषर नामक तीर्थ स्थान के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसी गीता यानी कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय ओपन होगा। कहना खुलेगा हरियाणा के कौन से जिले में होगा? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय ओपन किया जाएगा। उसके बाद अगला नाम आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है भारतीय जनता पार्टी को संस्थापक सदस्यों के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ये हरियाणा के सीएम सिटी करनाल के अंदर ओपन होगा। पंडित दीनदयाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कड़कुलगा हरियाणा के करनाल जिले के अंदर ओपन होगा। पंडित दीनदयाल मुगल सराय स्टेशन जो है वहां पर मृत पाए गए थे 1968 के अंदर फरवरी की सर्दी की रात के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के पिता में अगर कहें दो ही नाम, दो ही बंदों के इर्द गुर्द पूरी भारतीय जनता पार्टी घूमती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी पश्चिम बंगाल से संबंध रखते थे, और दीनदयाल उपाध्याय। और उसके बाद मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया, अब दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है, और इन्हीं के नाम से अपना हरियाणा में करनाल में विज्ञान विश्वविद्यालय खुलने जा रहा, ठीक है। उसके बाद पानीपत में राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय कड़कुलगा हरियाणा के पानीपत में, जो युद्धों की धरती जो है जहां पानीपत के तीन प्रसिद्ध युद्ध जड़े हुए थे, उड़के खुलेगा राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय कड़ा बनेगा पानीपत जिले के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक पुरस्कार है बाल शक्ति पुरस्कार, बाल शक्ति पुरस्कार, देखो यो जो बाल शक्ति पुरस्कार जो है यो दिया गया है हरियाणा के हिसार जिले की बेटी है शिवांगी पाठक को। शिवांगी पाठक किसने दिया गया है? शिवांगी पाठक को दिया गया है, इसने इसार की रहने वाली है शिवांगी पाठक। इसने काम के किया है दुनिया के तीन महाद्वीपों की ऊंची चोटियों के ऊपर, दक्षिण अफ्रीका की कीली मंजारो है अपना माउंट एवरेस्ट है, तीन ऊंची चोटियां फतेह करने का काम इस लड़की ने किया है। बाल शक्ति पुरस्कार 2019 हरियाणा की किस बेटी को मिला है? शिवांगी पाठक ने दिया है। शिवांगी पाठक कड़े की रहने वाली है, अपना हरियाणा के इसार जिले की रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा रोडवेज, खास तौर पर सफर के लिए जानी जाती है, हरियाणा रोडवेज का एक डिपो है जिस डिपो का नाम है भिवानी डिपो, और यो भिवानी डिपो होना रोडवेज का पहला डिपो बन गया जो ऑनलाइन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाओ है। ऑनलाइन ड्यूटी लगाने वाला हरियाणा का पहला डिपो कौन सा बनया है? हरियाणा का पहला डिपो बनया है भिवानी। उसके बाद में एक और न्यूज है वो कर लेते हैं, देखो एक लड़की है हरियाणा के सोनीपत जिले की जिसका नाम है सौम्या। सौम्या जो है बहुत जरूरी है, बहुत काम की है, सोनीपत जिले की है सौम्या, सह से सोनीपत है, सह से सौम्या है, हरियाणा के सोनीपत की सौम्या को बीएसएफ के अंदर, देखो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है बीएसएफ के अंदर इसको महिला सहायक चुना गया है, और ये हरियाणा की तरफ से महिला सहायक के पद के ऊपर चुनी जाने वाली पहली महिला है, हरियाणा की पहली है, देश की तीसरी है। सौम्या कड़ा की है सोनीपत की, बीएसएफ के अंदर किसमें चुनी गई है? महिला सहायक के पद के ऊपर चुनी गई, किसमें? बीएसएफ में। सौम्या कड़ा की है सोनीपत की, सौम्या सोनीपत, ठीक है। दोबारा फिर करवा दूं, फिर इसने रफ करांगे। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अनीस वानवाला ने मिला है, कड़ा का है और करनाल का है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन मोदी ने पंचकुला में किया है। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कड़ा खुलेगा हरियाणा के करनाल जिले में। राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय पानीपत के जो तीन प्रसिद्ध युद्ध इस धरती के ऊपर हुए थे, युद्धों की धरती पानीपत है, इससे रिलेट करके आप इसमें याद रख सको। बाल शक्ति पुरस्कार, शक्ति आओ है इसमें, शिवांगी आओ, धनवा में सह है इसमें, शक्ति है इसमें, शिवांगी है, धनवा में दोवाला सह आओ है। बाल शक्ति पुरस्कार किसने दिया गया? शिवांगी पाठक ने, पर्वतारोही है या और तीन ऊंची चोटियों पर चढ़ने का इसने काम किया है। शिवांगी पाठक कड़क ही है, अपने हिसार जिले के रहने वाली है। उसके बाद अगला क्या है, भिवानी जो डिपो है, भिवानी डिपो ऑनलाइन ड्यूटी लगाने वाला हरियाणा का पहला डिपो बन गया है रोडवेज का, ठीक है। उसके बाद अगला नाम आओ सौम्या का, सौम्या कड़े की रहने वाली है हरियाणा के सोनीपत जिले के। सौम्या जो है बीएसएफ की पहली महिला सहायक महिला चुनी गई है, सौम्या
सोनीपत की है, जो अपने हरियाणा के लिए बहुत गर्व की बात है, ठीक है। उसके बाद में अगला हुआ चौथा एग्री लीडरशिप समिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा एग्री लीडरशिप समिट, देखो चौथा एग्री लीडरशिप समिट जो है इसका आयोजन किया गया है 2019 के अंदर गन्नौर में, और आपने बेरा है गन्नौर कड़ा पड़ा है, हरियाणा के सोनीपत में पड़ा है, कड़ा पड़ा है गन्नौर। चौथा एग्री लीडरशिप समिट जो है यो कड़ा आयोजन किया गया है 2019 में, इसका 15 से लेकर 17 फरवरी तक सोनीपत के गन्नौर के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन करने का काम किया था। किसने उद्घाटन किया था? रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। उसके बाद में अगला नाम आता है नाबार्ड। देखो नाबार्ड जो है ये एक बैंक है, पूरा नाम इसका है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है, इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री हुआ करती साल 1982 में बैंक खुला था। अब इस बैंक ने हरियाणा को 119 करोड़ रुपए का लोन देने का काम किया है। 119 करोड़ रुपए हरियाणा को लोन देने का काम किसने किया है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 1982 में खुला था। 119 करोड़ रुपए नाबार्ड के देगा हरियाणा ने देगा, ठीक है। उसके बाद में जिक्र आता है एक ऐसी संस्था का जिसने भारत को बनाने का काम किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर जो है वो हरियाणा के पानीपत के अंदर खोला जाएगा। देखो ये अजीब संयोग है कि एक ऐसी संस्था 1925 में आदरणीय केशव राव बलीराव हेडगवार जो है जिन्होंने इस संस्था को खड़ा करने का काम किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है डॉक्टर हेडगवार के प्रयासों से 1925 के अंदर जब ये खड़ा हुआ था यह संस्थान, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना आगे जाएगा। और आज देश का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का गृह मंत्री, ये सारे के सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से निकले हुए सिपाही हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अपने नागपुर, जो महाराष्ट्र का नागपुर के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। वर्तमान में इसके सरसंघचालक हैं आदरणीय मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं। डॉक्टर हेडगवार ने 1925 के अंदर इसको खड़ा करने का काम किया था। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर कड़ा खुलेगा पानीपत के अंदर खुलने जा रहा, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का पहली गुलाबी महिला थाना, हरियाणा का पहला गुलाबी महिला थाना, हरियाणा का गुलाबी महिला थाना जो है, पहला गुलाबी महिला थाना वो बिल्कुल ऊपर चोटी के अंदर पंचकुला में खुलेगा। पहला महिला गुलाबी थाना खुल चुका है, कड़ा खुलिया है अपने पंचकुला में खुलिया, ठीक है। उसके बाद अंतिम न्यूज है, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य जिसने चुनाव में क्या किया था, वोटर कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। यानी पायलट प्रोजेक्ट का कब कोई योजना शुरू करनी हो ना, उससे पहले थोड़ा सा ही समय लागू करके देख लिया करें। देश का वो पहला राज्य कौन सा जिसने इलेक्शन में वोटर कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने का काम किया है? हमारा हरियाणा पहला राज्य जिसने वोटर कार्ड से चुनाव के अंदर वोटर कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने का काम किया गया है, ठीक है। तो ये प्रमुख करंट अफेयर थी दोस्तों। इब देखो जो इसने लाइक सब्सक्राइब बढ़िया तरीके से देखोगे, रिस्पॉन्स आपका बढ़िया होगा, कमेंट में लिखो रिस्पॉन्स बढ़िया होगा तो फिर अगली वीडियो बनाओगे, नहीं तो वीडियो नहीं बनाओगे रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। दोबारा रिपीट करवा दूं, चौथा एग्री लीडरशिप समिट गन्नौर में हुआ था 15 से 17 फरवरी, सोनीपत रामनाथ कोविंद ने इसमें हिस्सा लिया था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, 119 करोड़ रुपए इसने हरियाणा को देने का काम किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर कड़ा खोलेगा सोनीपत में। वर्तमान में सरसंघचालक कौन है इसके? आदरणीय मोहन राव भागवत है। उसके बाद में हरियाणा का पहला गुलाबी महिला थाना खड़ा खुला है, पंचकुला के अंदर खुला है,
पहला राज्य जिसने वोटर कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने का काम किया है। अगर आप फिर भी कोई प्रश्न, आपकी कोई चिंता, कोई इच्छा है तो फिर भी आप इंस्टाग्राम की आईडी है प्रवीण एट, थोड़ा सा डंडा लगा के इसने के बोलने ध्यान में को नहीं उड़ान, इसने सर्च कर लियो इंस्टाग्राम पर मिल जाओगे। तो शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट जरूर करियो। अगर बढ़िया तरीके से आप बताओगे तो फिर अगली वीडियो बनाओगे करंट अफेयर की, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।